2022 में सीयूटी एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया गया, 12th क्लास वाले बच्चों को बता दिया गया कि अब इसके स्कोर के बेस पर ही आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कुछ मेंशन स्टेट प्राइवेट एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होगा। एज ऑफ नाउ 260 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी है जो कि केवल इसके स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रही है, क्लास 12th के स्कोर के बेस पर नहीं और ना ही किसी एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर। लेकिन ये बात बताने के साथ साथ इसका एडमिशन प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स ही रखा गया, इसका एडमिशन प्रोसेस को सरल नहीं बनाया गया। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस कि सीयूटी 2025 का एडमिशन प्रोसेस क्या होगा और एडमिशन प्रोसेस हम एकदम डिटेल में समझेंगे। यकीन मानिएगा, ये एक ऐसा वीडियो होगा जो कि अभी तक आपको यूट्यूब पर नहीं मिला होगा। सबसे पहले तो साल के लास्ट वाले कुछ मंथ्स के अंदर जैसे नवंबर दिसंबर में आपको एनटीए एक कैलेंडर दे देगा और कैलेंडर अनाउंसमेंट के साथ साथ ये बता देगा कि सीयूटी यूजी सीयूटी पीजी और यूजीसी नेट नीट यूजी इनकी एग्जामिनेशन डेट कब कब होंगी। इसके बाद फैब में आपके लिए नोटिफिकेशन अनाउंस होगा और फैब का मंथ ऐसा भी होता है जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी अलाइन होते हैं, तो थोड़ी सी एंग्जाइटी वहां पर होती है। तो फैब मंथ से पहले पहले आपको ये डिसाइड कर लेना होता है कि आप कौन से कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज के साथ जाना चाहते हैं, मतलब आपके प्रस्पेक्टिव से आपकी चॉइसेस के हिसाब से कौन से कोर्सेज आपके लिए बेहतर है और उन कोर्सेज के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट एकेडमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए अच्छी हैं। ये सब डिसाइड करने के बाद आप यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिल करते हैं और फॉर्म फिल करते हुए आप उन्हीं यूनिवर्सिटी और कोर्स का चुनाव करते हैं जो कि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। जैसे ही आप किसी कोर्स या यूनिवर्सिटी का चुनाव करते हैं तो फिर आपको उस कोर्स और यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वहीं पर देखने के लिए मिलता है और आपको ये पता चल जाता है कि आपको सीयूटी यूजी के एग्जाम के अंदर किस किस सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर अपीयर होना है। क्योंकि सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करें तो 63 सब्जेक्ट टेस्ट है जिसमें एज ऑफ 2024 आपको मैक्सिमम 6 चूज करने होते हैं, तो आप फिर उन सभी सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव करते हैं, उनके लिए प्रिपेयर करते हैं और फिर सीयूटी यूजी का एग्जाम भी देते हैं। लेकिन एग्जाम देने से पहले आपको एक एग्जामिनेशन की सिटी स्लिप देखने के लिए मिलती है जहां पर आपको एनटीए बता देता है कि आपका इस सिटी में एग्जाम होगा। ये सिटी स्लिप में वही सिटी मेंशन होती है जो कि आप फॉर्म फिलिंग के दौरान 3 सिटी या 2 सिटी की प्रेफरेंस देते हैं एनटीए को, बताते हैं कि मेरा इन 2 या 3 सिटी में से किसी एक में एग्जाम होना चाहिए। फिर सिटी स्लिप के बाद आता है एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड आपके एग्जामिनेशन डेट के 3 या 4 दिन पहले एनटीए अनाउंस कर देता है। एडमिट कार्ड में मेंशन होता है कि जिस सिटी में हमने बताया था उस सिटी में कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आपका है और कौन से स्लॉट में आपका एग्जाम है, वो स्लॉट किस टाइम पर शेड्यूल्ड है और फिर आपका हो जाता है सीयूटी का एग्जामिनेशन। आप एक तरफ सीयूटी का एग्जाम दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज जो है अपने एडमिशन पोर्टल पर फेज 1 का अनाउंसमेंट कर देती है। फेज 1 में आपको वहां पर जाकर रजिस्टर करना होता है और अपना सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर फिल करना होता है, साथ ही साथ कुछ एकेडमिक डिटेल्स भी अपलोड करनी होती है जैसे क्लास 12 में आपके कौन से सब्जेक्ट थे, आपके क्लास 12 में कितने मार्क्स आए हैं। फिर सीयूटी यूजी का एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो जाता है और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज जो कि अपने एडमिशन पोर्टल पर एडमिशन प्रक्रिया को चला रही थी वो फेज 2 का अनाउंसमेंट करते हैं। फेज 2 में आपको यूनिवर्सिटी को ये बताना होता है कि उस यूनिवर्सिटी से कौन से कोर्स या कॉलेज में आप जाना चाहते हैं और एक बच्चा हमेशा एक से ज्यादा कोर्सेज और एक से ज्यादा कॉलेजेस का ऑप्शन रखता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं उसके लिए 5 कॉलेजेस का आपने चुनाव किया, फिर दूसरा कोर्स आपने बैकअप ऑप्शन के लिए रखा, फिर उसके लिए 5 कॉलेजेस का चुनाव किया। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शीट। तो आप एक अच्छी सी प्रेफरेंस शीट बनाकर जो कि आपके लिए बेहतर हो सकती है अपने सीयूटी के स्कोर के हिसाब से आप वहां पर अपलोड भी करते हैं। इसके बाद अनाउंसमेंट होता है फेज 3 का जहां पर यूनिवर्सिटीज की एडमिशन की काउंसलिंग चलती है और यूनिवर्सिटीज आपको सीयूटी के स्कोर के हिसाब से कट ऑफ एक निर्धारित कर दी जाती है। उस कट ऑफ के और आपके स्कोर के हिसाब से आपको कॉलेजेस एंड कोर्सेज के अंदर सीट अलॉट होती है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो यूनिवर्सिटी के उस कॉलेज के पास नोटिफिकेशन जाता है जिस कॉलेज की आपने सीट एक्सेप्ट करी है, तो वो कॉलेज आपके ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देता है डॉक्यूमेंट्स का। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आता है तो आप उस कॉलेज को उस कोर्स के लिए फी पेमेंट कर देते हैं जहां पर आपका एडमिशन हुआ है, फी पेमेंट करके आपकी सीट जो है सुनिश्चित हो जाती है। फिर इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि जो सीट आपको मिली है आप उससे सहमत नहीं है तो फिर आप अपग्रेड का बटन क्लिक करते हैं, अपग्रेड का चुनाव करते हैं। अपग्रेड से क्या होता है, आप आगे भी काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा बन पाते हैं और उन काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान जो भी आपको सीट मिलती है आप फिर से उसको एक्सेप्ट करते हैं,
अगर कोई फी का बैलेंस बचता है, जैसे आपने 1000 रुपया पहले किसी कोर्स या कॉलेज के लिए दिया था और 2000 रुपया अब है उस कोर्स या कॉलेज के लिए जो कि आपको अपग्रेड होकर मिला है, तो आपको 1000 रुपया बैलेंस फी पे करना होता है। इन केस अगर आप अपग्रेडेड सीट से भी सहमत नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन उस समय नहीं होता है, क्योंकि जो सीट आपको पहले अलॉट हुई थी जहां पर आपने फी पेमेंट करके एडमिशन ले लिया था वो आपकी कैंसिल हो जाती है। अगर अपग्रेड होकर सीट नहीं मिलती है तो फिर आपकी पहली सीट ही रिटेन रहती है। तो इस सब को बोला जाता है प्रोविजनल एडमिशन, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ये भी बोलती हैं बच्चों को कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं और इस तारीख को यूनिवर्सिटी को दिखाने हैं, इस कॉलेज के इस रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है, वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट फिजिकली फॉर्म में वेरीफाई कराने हैं। फिर तभी जब वेरीफाई हो जाते हैं आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट तभी आपका एक पक्का एडमिशन माना जाता है। और फिर यूनिवर्सिटी एक नोटिफिकेशन जारी करती है जहां पर बताती है कि आपका एकेडमिक शेड्यूल जो है या एकेडमिक क्लासेस जो है वो इस तारीख से शेड्यूल्ड है, आपको इस तारीख पर जाना है, कॉलेज में रिपोर्ट करना है, अपनी क्लासेस अटेंड करनी है। तो इस तरीके से जो CUT का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको इजी तरीके से समझा जाता है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा CUT का एडमिशन प्रोसेस। इन केस इफ यू डू हैव एनी क्वेरी देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, और हाँ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को।